हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनमें हार्ट अटैक के केस भी देखे जा रहे हैं। रनिंग और वर्कआउट करते वक्त ऐसा हो रहा है, ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है। स्वामी जी, खूब अच्छे से रनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्राणायाम से और सूर्य नमस्कार से और जो अभी हम आसन बता रहे हैं, इन आसनों से अपनी बॉडी की रिदम अच्छी कर लें। बॉडी को उसके एक जो स्वाभाविक उसका जो चक्र है, शरीर चक्र, उसको नॉर्मल ले आए। और अभी जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, गोमुखासन से लेकर के उष्ट्रासन से लेकर के चलो मकरासन में लेट जाओ, पहले बॉडी को रिदम में लाना जरूरी है, एक लय में लाना जरूरी है। जब 5-10 बार से शुरू करके 100 बार तक 10 दिन के अंदर ही आ जाती है वैसे बॉडी रिदम में। अब ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही डरा के रखते हैं, अरे साहब 10 दिन के अंदर 100 बार तक भुजंगासन हो जाएगा। देखो ऐसे 10 बार शुरू किया और रोज़ 10-10 बढ़ाते रहे, 10 दिन में 100 बार भुजंगासन होने लग जाएगा, 10 दिन में 25-50 बार सूर्य नमस्कार होने लग जाएगा। उसके बाद आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, 1 सप्ताह में धीरे धीरे चलिए दौड़िए, 2 सप्ताह में पूरी तेज़ी से दौड़िए, और फिर 3-4 सप्ताह के बाद तो जैसे मैं सुबह सुबह उठ करके और हमारे CRPF के जवानों के साथ ही दौड़ लगाता हूँ और पूरा 250 ग्राम पसीना बहाता हूँ। ऐसे ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है भुजंगासन। ऐसे और ऐसे ऐसे अब बताओ 10 बार तो मैंने ऐसे ही कर दिया, मैं 1 मिनट में 100 बार कर लेता हूँ ऐसे सुपर फास्ट जब करता हूँ ऐसे, तो बॉडी अपने आप रिदम में आ जाएगी। खूब दौड़ लगाओ, डरने से बात नहीं बनेगी, जो डरा वो मरा, इसलिए डरेगा नहीं तो तरेगा तू, सब रोग तो मिट जाएंगे, भव बंधन भी कट जाएंगे। ये भुजंगासन, ये शलभासन ऐसे आराम आराम से करने चाहिए, और ये धनुरासन पहले बस ऐसे पैर पकड़े, धीरे धीरे ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे तो अंदर तक हार्ट के मसल्स की ट्यूनिंग होगी। और मैंने इनलार्ज हार्ट था जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ था, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थे, कमज़ोर हार्ट था, किसी के वाल अंदर से फैल गए थे, किसी की हार्ट बीट ज़्यादा, किसी की कम हो गई थी, उन सबको ठीक किया। और फिर देखो मरकटासन, और ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं, हृदय बस्ती, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, इससे तो ब्लड का सर्कुलेशन किसी भी अंग में, हार्ट से लेकर के, अब क्या करते हैं एलोपैथी वाले, वो उनको बावड़ों को आता तो कुछ है नहीं। देखो अब मैं ऐसे किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ कि हार्ट को पकड़ करके उसी को हिलाते हैं, अरे हार्ट को पकड़ के हिलाने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर जो है ये हमारे परंपरा से, अब अच्छे भी डॉक्टर हैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, अरे हार्ट को हिलाने की ज़रूरत नहीं, वो बोलते हैं हमने तरीका निजात किया है। ये सबसे अच्छा तरीका हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा गर्म सेक, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, फेफड़े में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, पेट में, लीवर में, पेनक्रियाज में, घुटनों में, ब्रेन में, तो ये हॉट एंड कोल्ड प्रेस ये एक विज्ञान है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो हृदय बस्ती कर रहे थे, गर्म गर्म तेल डाल रहे थे, अभी भी डाले ही जा रहे हैं, ये 1/2 घंटे तक हम करवा देते हैं। और अर्जुन की छाल और दालचीनी के साथ हृदयामृत कार्डियोग्रिड के साथ उसको लौकी कल्प करवा देते हैं, दिन भर लौकी का ही उसको सब्जी, लौकी का ही जूस, लौकी का ही उपयोग करवाते हैं और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल खिलाते हैं। और 1 से 2 महीने में हार्ट ब्लॉकेज हमने रिवर्स किए, इंडिया TV पर ही हमने प्रमाण दिया है, 20 दिन से लेकर के 2-3 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, हमने करके दिखाया है। तो इसलिए इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हम भूल गए थे, हम तो उसकी याद दिला रहे हैं कि लोग डर जाते हैं, अरे साहब हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मेरे को तो Type 1 डायबिटीज होगी, मेरे को तो एंकोलॉजिक स्पलाइटिस हो गया, मेरे को तो जेनेटिक BP है, जेनेटिक शुगर है, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारी तो स्वामी जी अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। हमको ये प्राप्त हुआ है हृदय रोग, ये कैसे मिट जाएगा? रोजाना सुबह और शाम इंडिया TV देखकर अब डरना बंद कर दिया है। पवन मुक्तासन भी बहुत अच्छा है, लोगों का डर अब धीरे धीरे गायब हो रहा है।
स्वामी जी, आपने जिनकी धड़कने नॉर्मल रेट से कम है उनकी गैस के कारण से भी बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है हुसैन भाई जी जी जी